हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू चाणक्य एस अकेडमी पटना आज हम अब युद्ध सीरीज 69 के सिक्सटी नाइन बी पी एस सी के क्रैश कोर्स में आज हम लोग नेशनल न्यूज़ को देखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में हाल ही के हाल ही में जो जो नए डे डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया है वो कौन कौन से हैं जो हमारा फर्स्ट है वो है जो हमारा फर्स्ट है वो है स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस जो कि ट्वेंटी एट्थ मई को सेलिब्रेट की जाएगी अब इसके पीछे का रीजन क्या है उसे देख लेते हैं द मेन आइडिया बिहाइंड ऑब्जर्विंग द स्वतंत्रता वीर गौरव दिन इज़ टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द सेक्रीफाइस मेड बाई द फ्रीडम फाइटर फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री दिस डे एम्स टू टेक फॉरवर्ड द प्रायोरिटीजम पेशेंस एंड प्रोग्रेसिव आइडिया ऑफ़ वीर सावरकर स्वतंत्रता स्वातंत्र, स्वतंत्रता स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस मनाने के पीछे मुख्य विचार देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान के प्रति आभार व्यक्त करना है इस दिन का उद्देश्य वीर सावरकर की देशभक्ति धैर्य और प्रगतिशील विचारों को आगे बढ़ाना भी है अब हमारा नेक्स्ट है वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे उसको हम लोग 26 नवंबर को हर साल मनाएंगे सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट होती क्या है उसे आप देख लो विद इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ़ यूनिवर्सल एक्सेस मतलब यूनिवर्सली एक्सेस किया जा सके सब तक पहुंच हो जिसका इन्हांस्ड सेफ्टी रिड्यूस्ड इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट इंपैक्ट इम्प्रूव्ड रेजिलेंस एंड ग्रेटर एफिसियंसी इट्स सेंट्रल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत परिवहन सार्वभौमिक पहुंच सब तक पहुंच हो बढ़ी हुई सुरक्षा उसमें सुरक्षा भी हो कम पर्यावरणीय और जलवायु प्रभाव हो जिसका बेहतर लचीलापन और अधिक दक्षता के अपने उद्देश्यों के साथ सतत विकास के लिए केंद्रीय हो आप यहाँ देख सकते हो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो मेन मोटो होता है वो होता है इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी साथ ही उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी uh, uh, एक की पॉइंट है उसके बाद सॉल्विंग मोबिलिटी प्रॉब्लम जो भी मोबिलिटी uh, uh, की प्रॉब्लम होती है उसे भी सॉल्व करें साथ ही मेकिंग ट्रांसपोर्ट मोर इन्वायॉर्मेंटल फ्रेंडली लाइक अभी गवर्नमेंट जो है पेट्रोल डीजल uh, के बदले सी का uh, यूज कर रहा है साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो सब कहीं ना कहीं से सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की तरफ के लिए उठाए गए कदम है अब हमारा नेक्स्ट है इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे जो कि थर्ड नवंबर को सेलिब्रेट की जाएगी इसके पीछे का मेन मोटो है वो है और देख लेते हैं द नवम्बर नवंबर 2022 विल बी द फर्स्ट इंटरनेशनल डे

विश्व बायो रिजर्व नेटवर्क के सभी क्षेत्रों के सहयोग से यूनेस्को मुख्यालय में सतत विकास में बायोस्फीयर रिजर्व के योगदान को प्रदर्शित करने वाला एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछता है कि इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे कब मनाया गया तो वो होगा थर्ड नवंबर 2022 अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इक्वालिटी डे जो कि फोर्टीन नवंबर 2022 को सेलिब्रेट किया गया था तमिलनाडु स्टेट के द्वारा द ऑन द ओकेजन ऑफ द द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज इक्वालिटी डे फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड प्लेज वॉज ऑल्सो टेकन अक्रॉस द स्टेट ऑन दिस डे जो हमारा नेक्स्ट डे वो है सोशल जस्टिस डे उसे का मनाया गया था और सेवेंटीन सेप्टेम्बर दो को गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु अनाउंस टू सेलिब्रेट ई वी बर्थ एनिवर्सरी एज सोशल जस्टिस डे तमिलनाडु स्टेट के गवर्नमेंट ने ई री वी के बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पे सोशल जस्टिस डे मनाने का फै, फैसला लिया था अब हमारा नेक्स्ट डे है समर्पण दिवस समर्पण दिवस किन के किनके, किनके एस्पेक्ट्स किन के उपलब्धि में मनाया गया तो वो है सम्पूर्ण दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन एलेवेंथ फरवरी एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ दीनदयाल उपाध्याय डेथ एनिवर्सरी दीनदयाल उपाध्याय के डेथ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में एलेवेंथ फरवरी को समर्पण दिवस मनाया गया उसके बाद है नेशनल डॉल्फिन डे जो कि फिफ्थ अक्टूबर को मनाया गया 2022 में अक्टूबर फिफ्थ हैज डेसिजिनेटेड एज नेशनल डॉल्फिन डे बाय द यूनियन एनवॉयमेंटल मिनिस्ट्री एंड विल बी सेलिब्रेटेड एनुअली स्टार्टिंग दिस ईयर द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द नेशनल वोड फॉर द वाइल्ड लाइफ टू दिस डिसीजन टू डेसीजनेटेड अक्टूबर फिफ्थ हज अ नेशनल डॉल्फिन डे अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थाई समिति ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया साथ ही दिस डे विल फोकस ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस एज इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डॉल्फिन कंजर्वेशन इंक्लूडिंग द गंगेटिक डॉल्फिन 5th अक्टूबर को जागरूकता के दिन से जागरूकता पैदा करने पर मेजर फोकस किया गया क्योंकि यह गंगा डॉल्फिन सहित तो डॉल्फिन संरक्षण का एक अविन अंग है। This day will also फोकस ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन यह दिन डॉल्फिन के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी पर भी केंद्रित होगा फोकस वील अल्सो बी इम्प्रूविंग द वाटर क्वालिटी एंड फ्लो ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रीब्यूटरी सो डैट द गंगा डॉल्फिन कैन सर्वाइव गंगा और उसकी सहायक नदियों के पानी की गुण गुणवत्ता और प्रवाह में सुधार भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि गंगा डॉल्फिन जीवित रह सकें अब हमारा नेक्स्ट जो है न, वो है मैत्री दिवस जिसको सिक्स दिसंबर 2022 को सेलिब्रेट किया गया इंडिया एंड बांग्लादेश डे ऑन दिस डे इन दिस ईयर 1971 इंडिया गिव रिकॉग्नाइजेशन टू बांग्लादेश अब हमारा नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस जो कि 27 दिसंबर 2022 को सेलिब्रेट किया गया बोथ द यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली डिक्लेयर 27 दिसंबर एज द इंटरनेशनल डे एपिडमिकिपेयरस अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है नेशनल स्टार्टअप डे इसको सेलिब्रेट किया गया सिक्सटीन जनवरी को क्यों इसे सेलिब्रेट किया गया इसके पीछे का रीजन ये है कि दो साल में जो है स्टार्टअप्स नंबर ऑफ़ स्टार्टअप्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो गई बहुत ज़्यादा उसमें वृद्धि देखने की कोशिश की गई है आ, देखी गई है द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंसडेड सेलिब्रेशन ऑन दिस डे ऑन सिक्सटीन जनवरी इसीलिए सिक्सटीन जनवरी को नेशनल स्टार्टअप्स डे मनाने का गवर्नमेंट ने फैसला लिया है अब है पर्रम दिवस जो कि ट्वेंटी जनवरी को सेलिब्रेट किया जाए किया गया था और द सेंट्रल गवर्नमेंट है नाउ एवरी ईयर ट्वेंटी थर्ड जनवरी विल बी सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की एक सौ पच्चीसवीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है अब हर साल तेईस जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा अब हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वीर बाल दिवस जिसको ट्वेंटी दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस टू सेलिब्रेट द दिक्कत दिसंबर एवरी ईयर एज वीर बाल दिवस टू पे कंट्रीब्यूट टू गुरु गोविंद सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के चार पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है अब हमारा नेक्स्ट न्यूज है पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बर डे जो कि फोर्टीन अगस्त को सेलिब्रेट की जाएगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व फोर्टीन अगस्त एवरी ईयर एज पार्टिशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे एज द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान टूक प्लेस ऑन दिस प्रधानमंत्री ने हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था अब हमारा नेक्स्ट न्यूज है जयंती गौरव दिवस जो कि फिफ्टींथ नवंबर को सेलिब्रेट की जाएगी ओ हैज देंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नाउ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ़ भगवान बिरसा मुंडा एज जयंतिया गौरव दिवस एवरी ईयर केंद्र सरकार ने बिरसा uh, मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर uh, जयंतिया दिवस जयंती गौरव दिवस मनाने का फैसला लिया है सो डैट्स ऑल्व फॉर टूडे थैंक यू